हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिद्धि बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम यह डिजाइनर पप स्लीव्स बनाना सीखेंगे, जिसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने बॉर्डर लिया हुआ है जिस पर हमें डिजाइन करनी है, और यह मैंने अस्तर और मेन फेब्रिक लिया हुआ है। तो यह हमारी बॉर्डर है जो कि डबल में है, जिसको हम अलग अलग करके दोनों स्लीव्स के हिसाब से कट कर लेंगे। और यह हमारा मेन फेब्रिक है जिस पर हमने थोड़ी सी बॉर्डर रखी हुई है, और इस तरीके से हमने अस्तर को कट कर लिया है। तो अस्तर हमारा मेन फिटिंग में कट होगा। फ्रेंड्स, आप जिस भी प्रकार से स्लीव्स कट करते हैं उस हिसाब से कट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने 6.25 इंच की मार्जिन ली हुई है, बनकर यह हमारी 6.25 इंच की रेडी होगी। मोरी हमारी 6 इंच पर है, ऊपर से मैंने 3 इंच का डाउन दिया हुआ है। आप अपने नॉर्मल स्लीव्स के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है इसकी कटिंग पर। अब मेन हमें इसे देखना है कि हमें डिजाइन किस हिसाब से कट करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी हमारे डिजाइन के लेंथ होती है वो हमारी बॉर्डर के ऊपर डिपेंड होती है, हमारे कपड़े के ऊपर। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि मेरी बॉर्डर 3.5 इंच की है, तो मैंने 3.5 इंच पर इसके लेंथ पर मार्क किया है और 2 इंच की चौड़ाई ली है। आप चाहे तो इसे कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। 2-2 इंच पर इस तरीके से बॉक्स बना लेना है, और हमें जो भी शेप देना है उस हिसाब से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे कि मैंने राउंड शेप दिया हुआ है, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं इस पर। अब यह हमारी स्लीव्स की डिजाइन कट हो चुकी है, इसे मेन फैब्रिक पर रखना है सीधे के साइड, क्योंकि हमें इसे पलटना है। फ्रेंड्स, तो देखिए, हमें नीचे की तरफ से 1/2 इंच और ऊपर की तरफ से इस तरीके से सिलाई लगाकर ले लेनी है और पलट देना है। हमें ऊपर की तरफ सिर्फ डिजाइन में ही सिलाई लगानी है फ्रेंड्स, अभी चारों तरफ से नहीं लगानी है, क्योंकि हम इसे पलटेंगे उसके बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है। आप चाहे तो ऊपर पे पाइपिंग भी लगा ले सकते हैं। मैंने इस पर सिलाई लगाकर इसे पलट दिया है डायरेक्ट, और इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने के बाद में हमें इसके इस अच्छे तरीके से अंगूठे की सहायता से पलट देना है। अब इसे पलटने के बाद हमें इस पर पूरी चारों तरफ से सिलाई डाल देनी है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है इस तरीके से। अब हमारी स्लीव्स का शेप तो बनकर रेडी हो चुका है। अब जो हमने ये बॉर्डर ली है, बॉर्डर का साइज देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने 18 इंच की बॉर्डर ली हुई है। अब इस बॉर्डर पर हमें 1/2 इंच की इस तरीके से प्लेट लगानी है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल 1/2 इंच की एक डिस्टेंस पे हमारी प्लेट आना चाहिए। फ्रेंड्स, ज्यादा छोटी या बड़ी इस तरीके से आपको प्लेट्स नहीं लेनी है, क्योंकि डिजाइन का शेप उसी पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसे स्टिच करते हैं। तो देखिए, एक तरफ से तो हमारी डिजाइन लग चुकी है, अब दूसरी तरफ में जो हम प्लेट्स देंगे उसे उसी तरफ फोल्ड करना है जिस तरफ हमने पहली बार फोल्ड किया था। तो देख सकते हैं आप, एक ही तरफ हमारी दोनों भी तरफ की फोल्ड आएगी, अपोजिट साइड में हमें इसे फोल्ड नहीं करना है। और इस तरीके से स्टिच डालने के बाद यह सेट हो जाती है। अब हमें इस पर शेप देना है, तो हम शेप कैसे देंगे? जो हमने स्लीव्स से कपड़ा कट कर निकाला हुआ था, उस कपड़े को हमें इस पर प्रॉपर रखना है। तो ऊपर की तरफ से तो हमें बिल्कुल प्रॉपर शेप लगाना है, जो हमारा साइज है उसके हिसाब से, लेकिन राउंड में हमें इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है 1 या 2 पॉइंट से, क्योंकि हमने जब स्लीव्स को दबाया हुआ था उसमें 2 पॉइंट हमारा कपड़ा दबा हुआ है, उससे कवर करने के लिए हमें इस मार्क पर 2 पॉइंट का एक्स्ट्रा मार्क लेना है राउंड शेप में। तो देखिए, हमारा मार्क टोटल लग चुका है। अब हमें इसे अच्छे तरीके से सेट कर देना है जो हमने मार्क किया था उसके ऊपर। अच्छे तरीके से सेट होने के बाद हमें इस पर स्टिच डाल देनी है, पूरी अच्छे तरीके से गोलाई में हमें स्टिच डालनी है। फ्रेंड, दोनों भी कपड़े अच्छे से ऐड होना चाहिए। अब हमारे स्टिच लगने के बाद हमें इस पर एक लेस लगाकर लेनी है। मैंने इस पर पाइपिंग नहीं लगाई है, इसलिए मैं इस पर लेस लगा रही हूँ। आप चाहे तो इस पर पाइपिंग का यूज कर सकते हैं, पहले ही जब हमने अस्तर फिट किया था तभी। तो देख सकते हैं आप, हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो चुकी है, और इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है, कितने अच्छे से इसका रफल तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।